थाना कमालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मोबाइल फोन लूट करने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के पास 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये अभियुक्त अर्जुन गिहार पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम महरूरपुर रावी थाना कमालगंज, दूसरा अभियुक्त ऋतिक गिहार पुत्र महेश गिहार निवासी खाड़े देवर थाना गुरसहायगंज, तीसरा अभियुक्त आशिक पुत्र महफूज निवासी राजेपुर थाना कमालगंज जनपद फरुखाबाद। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि आज प्रातः 8:30 बजे ग्राम भटपुरा मोड़ से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही सोनू पुत्र सोहेल मौके से फरार हो गए। अपराधियों के पास एक मोटरसाइकिल UP 74AA 4093 सील कर दी गई है। अरुण जिहार व ऋतिक गिहार के कबूल किया है कि वो लोग राह चलते लोगों से मोबाइल फ़ोन लूट लिया करते थे और 2500 से 3000 तक बेच देते थे। अब तक ये 15 से 20 मोबाइल बेच चुके हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम थानाध्यक्ष राजेश राय कमालगंज, उप निरीक्षक आनंद शर्मा, निरीक्षक प्रशांत कुमार, कांस्टेबल शेखर कटारिया, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह इन अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों की धर पकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। एक अंतर जनपदीय गैंग जो कि लूट का काम करता था, वो पहले देखता था कि कोई अकेले व्यक्ति जा रहा है तो उसके साथ मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए उनका मोबाइल लूट लेते थे। इस संबंध में मुकदमे लिखे गए हैं थाना कमालगंज में। जो अपराधी पकड़े गए हैं वो 3 लोग हैं जो कि अंतर जनपदीय हैं। इनसे जब बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक दुकानदार वहीं कमालगंज का ही रहने वाला है, राजेपुर जगह है, उसके पास से 6 मोबाइल बरामद हुई हैं। कुल 11 मोबाइल बरामद हुई हैं 6 अभियुक्तों के पास से और 5 दुकानदार के पास से। इसमें अनुविधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा हैं। अन्य जनपदों से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि और क्या क्या इनके अपराधिक इतिहास है। ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके आपराधिक इतिहास आधा दर्जन से ज़्यादा है। पहला मुकदमा इन्होंने 2016 में लिखा इनके खिलाफ, तो ये लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। जो मोबाइल मिले हैं वो पता लग पाया किन लोगों के मोबाइल? हाँ, देखिए मैंने कहा कि ये मुकदमे हैं जो लूट के मुकदमे हैं और इसमें मुकदमा लिखा गया है और अज्ञात में था, पुलिस ने इसको वर्कआउट करके इसको ज्ञात किया है।